एक सांसद था इन्हीं बसपा सरकार में, उमा शंकर, जो कि थोड़ा गैंगस्टर टाइप था, बहन जी ने उसको अपने पास बुलवा के पकड़वाया था, उमाकांत को। ये ऐसे मुख्यमंत्री है जो अपना मुकदमा अपने हाथ उठाया है, अपने आपराधिक मुकदमे स्वयं उठाया हो। हाकिम लाल बिंद का विचार अलग है, लेकिन हाकिम लाल बिंद जैसे लोग अगर बीएसपी से चले भी जाएंगे तो बीएसपी एक ऐसी पार्टी, उसके पास अपनी पावर खुद है। बीएसपी इन जैसे झंडू मंडू लोगों को पूछती नहीं, भले विधायक हो गए होंगे, ठीक है, बीएसपी के दम पे विधायक बनते। साथियों नमस्कार, इस समय हम प्रयागराज में उपस्थित हैं। यहाँ पे एक कार्यक्रम किया गया था विधानसभा हंडिया को लेकर, बहुजन समाज पार्टी का कार्यक्रम था। यहाँ पे जो है प्रत्याशी भी घोषित हो गए हैं, उसी को लेकर जो है कार्यक्रम था। हमारे साथ में मंडल प्रभारी जी उपस्थित हैं, हम बात करने की कोशिश करें और जो है कि बहुजन समाज पार्टी का क्या रोल रहेगा विधानसभा आगामी चुनाव को लेकर, क्या रोल रहेगा सर? जी मैं राजकमल प्रसाद एडवोकेट, मंडल सीटर प्रभारी प्रयागराज मंडल। और आज जैसा कि आप हंडिया में देख रहे हैं कि हंडिया 258 नंबर विधानसभा में नरेंद्र कुमार त्रिपाठी उर्फ मुन्ना त्रिपाठी की घोषणा की गई है हमारे मुख्य कोऑर्डिनेटरों द्वारा, तो आपको इस भीड़ से ही इस जनसैलाब से पता चलता होगा कि इस बार पूरे प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बहन कुमारी मायावती बनने जा रही है और बहन जी 5वीं बार मजबूती के साथ सीएम बनने जा रही हैं। विरोधी लोग जो हैं, बहुजन भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं, बड़े बड़े बोर्डों में लगाते हैं कि 350 पार करेंगे, क्या कहेंगे? देखिए वो उनकी बात तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम अपनी बात करेंगे कि बहन जी ने 4 बार के शासनकाल में लॉ एंड ऑर्डर चलाकर शेर बकरी को पानी पिलाकर, चूँकि बहन जी सामाजिक परिवर्तन चाहती हैं और बहन जी को 2007 में भी आपने देखा होगा कि मीडिया के लोग या अन्य पार्टियों के लोग या जो एग्जिट पोल आ रहे थे वो हमारे खिलाफ आ रहे थे, लेकिन जब रिजल्ट आया, परिणाम आया, तो बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत में आई। इस बार भी आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि सरकार पूर्ण बहुमत में बहुजन समाज पार्टी की बनने जा रही है। सर्व समाज की बात करें तो 2007 में पूर्ण बहुमत से आई थी, क्या लगता है आपकी बार? इस बार भी बहन जी हमारे, देखिए बहन जी हमारी नेता हैं और बहन जी इस बार भी 2007 की ही तरह सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला लगाकर और बड़े पैमाने पर प्रबुद्ध वर्ग को, अभी आपने देखा होगा कि सीएस मिश्रा साहब ने जो पूरे ज़िले में बड़े पैमाने पर प्रबुद्ध सम्मेलन किया, उसका बहुत बड़ा असर रहा और रोड शो भी होने जा रहा है, तो कुल मिलाकर बैकवर्ड समाज और प्रबुद्ध वर्ग के लोग हमारे साथ हैं और निश्चित रूप से सरकार बनने जा रही है, बहन जी हमारे सीएम बनने जा रही हैं। हमारे साथ में और भी लोग हैं जो बसपा समर्थक के लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। जो आगामी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उस पर बात होगी, देखिए बात करने की कोशिश करेंगे, क्या कहते हैं चुनाव को लेकर? मैं राजेंद्र प्रसाद दिवाकर, प्रभारी, जिला प्रभारी प्रतापपुर, सामान्य साथी। इस बार बहन जी की सरकार प्रचंड बहुमत सरकार आएगी, क्योंकि पिछली सरकारों में जितना भ्रष्टाचार हुआ है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ है, कहीं सुनवाई नहीं हुई, 5-5, 6-6 दिन लोग थानों पर बैठे रहे लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। अब बहुजन समाज पार्टी की सरकार में एक भी परिंदे कभी किसी तरह का बलात्कार करने की हिम्मत नहीं करते थे। बहन जी सरकार में कम से कम 3,500 गुंडे जो नामी गिरामी थे वो जेल की सलाखों में थे। अब बहन जी की सरकार एकदम स्वच्छ रूप से चलती थी। साथियों आज पूरी जनता बहन जी की सरकार को याद कर रही है कि बहन जी एक बार पुनः सत्ता में आए और पूरे प्रदेश को अमन चैन मिले। अभी हाल ही में एक कांड निकल कर आ रहा था, गौरी हत्याकांड, जी वहाँ पे 4 लोगों की निर्मम हत्या कर दी जाती है और अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही, और सुनवाई भी हो रही तो रोज़ जो है पेपर कटिंग बदले जा रहे हैं, कोई एक उनका सबूत नहीं मिल पा रहा। सामान्य साथी देखिए, ये सरकार गुंडे लोगों की सरकार है, समान शाही लोगों की सरकार है, इसमें SC, BC दलित की सुनवाई नहीं है। हमारे लोग थानों पर जाते हैं लेकिन उनको भगा दिया जाता है, उनकी बात नहीं सुन जाती है, तो हम कैसे उम्मीद करेंगे कि इनकी सरकार में हमारे दलितों की सुनवाई होगी? एकमात्र केवल बहन जी ऐसी शासन करता है, ऐसी CM है कि पूरे देश में सर्व समाज को लेकर के और SC बैकवर्ड समाज के लोगों को अपने शासनकाल में सबको मान सम्मान सुरक्षा दिया है, इसलिए भी हमारी सरकार आएगी। और इस समय जो लोग सोचें कि हमको सुरक्षा मिल सकती है तो ये उनकी नादानी है, इस सरकार में हमको सुरक्षा नहीं मिल सकती। साथियों भाई चंद्रशेखर जी भी आ रहे हैं, चंद्रशेखर के बारे में क्या रहा है? चंद्रशेखर साथियों ये हमारे लोग नहीं हैं जो बहुजन समाज पार्टी की वोट को बांटने के लिए खड़े हैं, वो टोटल लोग RSS और BJP के प्रोडक्ट लोग हैं। ऐसे लोगों से समाज की कोई उम्मीद नहीं है, ऐसे नेता को हमारा समाज एक भी वोट नहीं डालेगा। क्या नाम है सर आपका? बसंतलाल मौर्य, पूर्व मंडल प्रभारी हाँ, इलाहाबाद मंडल से। क्या कहेंगे जो 2022 का चुनाव चल रहा है, अभी होने वाला भी है,
यहाँ पे जो है प्रत्याशी चुने गए हैं, क्या कहेंगे उनके बारे में? प्रत्याशी चुने गए अब चूंकि 12 से 17 के बीच में सपा की सरकार देखी है और 17 से 22 तक बीजेपी की सरकार देखी है, इसके पूर्व में बहुजन समाज पार्टी की सरकार देखी है जनता ने। अभी कुछ गलतफहमियों या सजबाग दिखा के या लालच दिखा के मुख्यमंत्री के तोहफे में कुछ बैकवर्ड की जातियों को तोड़ने या उद्योगपतियों के पैसे के बदौलत जो सरकार चलाई है, खासकर आज के युग में आप देख ही रहे, चाहे मीडिया जब आपकी प्रभावित हुई है तो आम आदमी की क्या हम बताएं, मीडिया तो एक चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का। आपकी मीडिया जब प्रभावित हो गई है, यही सोशल मीडिया अगर ना होती तो शायद ये मीडिया ही पूरी दबा दी जाती है, देश की लोकतंत्र ही दबा दिया जाता है। आज जो स्थिति है, आज के चुनाव में भी इस आधार पर हम कह सकते हैं बहुजन समाज पार्टी सत्ता में है, चूँकि लाइन ऑर्डर के मामले में बहुजन समाज पार्टी की एक मिसाल है। मानिया बहन जी अपने विधायक और सांसदों को जेल भेजा है, आपको मालूम होगा, मीडिया के साथी हैं, किसी कार्यकाल में कोई मुख्यमंत्री ऐसा ही में, ये ऐसे मुख्यमंत्री है जो अपना मुकदमा अपने हाथ उठाया है, अपने आपराधिक मुकदमे स्वयं उठाया हो, लोकतंत्र का एक काला इतिहास है जुड़ा है। तो आज जो न्याय व्यवस्था है, न्यायपालिका तक प्रभावित किया है, सुप्रीम कोर्ट के जजे आज निकल के बाहर आ रहे हैं, मीडिया में आप लोगों के बीच में अपनी बात रख रहे हैं, जब चौथा स्तंभ मीडिया प्रभावित हुई है और न्यायपालिका हमारी प्रभावित, तो लोकतंत्र जिंदा कहाँ है? अगर इस देश की बहुसंख्यक आवाम को जिंदा है, बाबा साहब के मिशन को जिंदा है, मानव कांसीराम के कार्यों को जिंदा है, रखना है तो बैकवर्ड माइनॉरिटी और सर्व समाज के लोगों ने जुड़ के बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाएंगे। इसलिए इसमें आप यहाँ की मौजूदा परिस्थिति आज देख ही रहे हैं, लोगों का क्या सैलाब उमड़ा है, यहाँ कोई खरीद फरोख्त की तो जनता है नहीं। बहुत लोग कहते हैं कि माननीय बहन जी जो है कांसीराम के 85-15 का जो एजेंडा था उसे भटक, मानवर कांसीराम के समय ही सर्व समाज को जोड़ा गया था, ये गलत अफवाह दी जा रही है। जब मानवर कांसीराम साहब थे, मैं तो सिपाही रहा हूँ जानता हूँ, हाँ बहुजन समाज की जो थी, आज जिसकी तैयारी है, जहाँ हम कैंडिडेट, चूँकि अब परिस्थितियाँ बदली हैं, हमें जिताऊ कैंडिडेट चाहिए, और आज जैसे आप प्रभावित करने, मीडिया को प्रभावित करने के लिए आज जिस ढंग से चुनाव लड़ा जा रहा है, वो मैं तमाम संसाधन की ज़रूरत है, तो हमारे जो साथी जो संसाधन के कमज़ोर हैं, हम कमज़ोर हैं, हम नहीं लड़ पा रहे हैं, तो ऐसे साथियों को हमें तो भांजिक सरकार बनने पर हमारे पुराने साथी या मिशनरी साथी बैकडोर से लगाए जाते हैं उनको। अब तो जो है बहुजन समाज पार्टी में युवाओं की काफ़ी भागीदारी बढ़ती जा रही है, हमारे साथ में युवा भी मौजूद हैं, हम युवाओं से भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्या लगता है आपके चुनाव को लेकर? देखिए, चुनाव में इस बार बसपा की सरकार बनना तय है, भाजपा वाले मीडिया को तो खरीद लिए हैं, वो दिखा रहे हैं कि बसपा को हटा रहे हैं साइड से, जो कि बसपा ही लड़ाई में है, बसपा का सॉलिड वोट है, सपा को जनता वोट देना नहीं चाहती, इस बात को सभी को मालूम है, इसीलिए भाजपा बार बार सपा की लड़ाई दिखा रही है, जो कि लड़ाई बसपा में है। बसपा वो बहुत बड़ी ताकत है, वो ताकत अभी 2022 में उभरेगा, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, जो योगी आदित्यनाथ है, बड़ा नाम बदलने का काम करते हैं, उनको अपना भी नाम बदलना देना चाहिए, उनको अपना नाम रखना चाहिए सत्ता भोगी, योगी के हटा के रखना चाहिए सत्ता भोगी। इन्होंने सिर्फ नाम बदलने का काम किया है, सपा वालों ने मुसलमानों को उछड़ाया है, भाजपा वाले ने हिंदुओं को, वो हिंदू हिंदू करते रहते हैं, सपा वाले कहते हैं भाजपा, सपा वाले कहते हैं मुस्लिम मुस्लिम, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की ऐसी सरकार है, न कभी हिंदुओं को लड़ाने का काम किया है, न मुसलमानों को लड़ाने का काम किया है, सब समाज को साथ लेने का काम किया है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको न्याय देने का काम किया है। एक सांसद था इन्हीं बसपा सरकार में, उमा शंकर, जो कि थोड़ा गैंगस्टर टाइप था, बहन जी ने उसको अपने पास बुलवा के पकड़वाया था, उमाकांत को, और इनके सरकार में गाड़ी चला देते हैं, मंत्री तक इनका पद नहीं उठाते, जब जनता उठती नहीं, और इनके सरकार में शिक्षा का स्तर एकदम डाउन हो चुका है, टेलीकॉम कंपनियां बंद होती जा रही है, जैसे आइडिया था बंद हो गया, लड़के बेरोजगार हो गए, बहुत सी ऐसी कंपनियां जो बंद हो चुकी हैं, लड़के बेरोजगार कहाँ जाए, ये नौकरी कुछ देना नहीं चाहते, ये नौकरी कुछ देना चाहते नहीं। और इनके सरकार में एक मंत्री है जो गए थे सड़क का उद्घाटन करने, नारियल फोड़ते तो सड़कें खुल जाती है, सोचो पहले ऐसे से मंत्री, इससे अच्छा टमाटर इनको फोड़ना चाहिए, फूटता नहीं चाहिए। और क्या हुआ, ये चले थे डॉलर और रुपया का भाव बराबर करने, और कर चुके टमाटर और सेब का भाव बराबर कर दिया देश में, इसमें जनता की बहुत परिस्थिति परेशानी है, लेकिन जनता कह नहीं पा रही है, अब जनता पता नहीं क्या उनके चक्कर में, भाजपा के चक्कर में परेशान है, भाजपा सिर्फ हिंदू हिंदू कहती है, हिंदू कोई काम नहीं करती, उनको आगे करके अपना सिर्फ सत्ता भोगेगी बस। बात करें तो बीएसपी की, बीएसपी से रहे विधायक हकीम लाल बिंद जो अब सपा में चले गए, क्या कहेंगे? तो कह दिया, देखिए हकीम लाल बिंद का विचार अलग है, लेकिन हकीम लाल बिंद जैसे लोग अगर बीएसपी से चले भी जाएंगे तो बीएसपी एक ऐसी पार्टी, उसके पास अपनी पावर खुद है, बीएसपी इन जैसे झंडू मंडू लोगों को पूछती नहीं, भले विधायक हो गए होंगे, ठीक है, बीएसपी के दम पे विधायक बनते, ये मैं आता हूँ, हकीम लाल बिंद
अपने दम पे विधायक नहीं बने थे, ये बहन जी का आशीर्वाद था तब विधायक बन गए। जब बहन जी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा तो विधायक बन ही नहीं पाएंगे। इस बार हाकिम लाल गए जा रहे हैं सपा में, चले गए सपा में, देखते हैं सपा में वो जीत के आते हैं कि हार के आते हैं। बहन जी की वोट बैंक भी बहुत है, बहन जी का कहना बहुत लोग मानते हैं, और बहन जी सिर्फ एक ही ऐसी आयरन लेडी है, लोग कहते भी हैं न्याय की देवी है। अगर आज भाजपा भी खुद बोलती है कि अगर कोई न्याय कर सकता है तो बहुजन समाज पार्टी से न्याय की है। और गौरी हत्याकांड के बारे में आप बात कर रहे थे ना, गौरी हत्याकांड को भड़का हटाने के लिए जनता की निगाह से वहाँ पर एक पवन भारतीय नाम का लड़का है उसको फंसा दिया गया है, उसको पवन सरोज को जो है फंसाया गया और उनके बयान भी जो है साबूत नहीं दे, जो कि वो लड़का पढ़ा लिखा अनपढ़ गवार है, उसको बता रहे हैं व्हाट्सएप चला रहे हैं। भाजपा वाले इतने मतलब हो चुके हैं, वहाँ पे भाजपा कोई नेता नहीं पहुँचता, क्यों नहीं पहुँचता भाई? क्या नाम है आप? मेरा नाम धैर्य प्रताप साहू है, मैं बहुजन समाज पार्टी का समय वर्तमान में जिला उपाध्यक्ष भी हूँ। जिस तरह से विधानसभा हंडिया की बात करें तो यहाँ पे सर्व समाज ठान चुका है कि अब की यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी की सरकार जो है विधानसभा की विधायक उनको विधायक बना के सरकार बनाएंगे।